फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको हैंड ग्लव्स बताने वाले हैं। ये देखने में बहुत ही प्यारा है और बनाने में भी बहुत आसान है। देखिए अब जो हम बुनेंगे फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपने पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का आपने बॉर्डर बनाना है। तो आप बॉर्डर अगर चौड़ा रखना चाहें तो 15 फंदे रख लें, और अगर थोड़ा पतला रखना चाहती हैं तो 12 फंदे रख लें। तो देखिए मैं इसमें पहले 15 चैन बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 15 चैन मैं इतना बड़ा बॉर्डर बनाऊंगी। आप इसे कम या ज़्यादा रख सकती हैं अपने हिसाब से। फिर आपने क्या करना है, देखिए हर चैन में आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। तो फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हम हर चेन में सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। फ्रेंड्स, ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लगता है और बनाने में भी बहुत इजी। एक बार आप स्टार्ट तो कीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर बना लेंगे। इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब जो आप सेकंड रो बुनेंगे तो देखिए एक चैन बुनेंगी, और चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने अब कैसे बुनाई करनी है। बुनना तो हमने सिंगल क्रोशिया से, लेकिन देखिए जो चैन है ना, तो हम चैन के सिर्फ एक साइड में बुनेंगे, इस साइड में बुनेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए जो चैन बनी हुई है हमने एक साइड में बुनना है। देखिए ये दोनों चैन है तो हमने सिर्फ इस वाली तरफ ही बुनना है। तो एक चैन बुनने के बाद देखिए सिंगल क्रोशिया से ही बुनेंगे इस तरह से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और देखिए जो चौथा फंदा है आपने इन दो में से बुनना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पट्टी बनानी है। तो इस तरह की पट्टी मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से देखिए ये पट्टी कंप्लीट कर ली, और देखिए कितने प्यारे से पट्टी बनकर आई। हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपने जिस साइज का बनाना हो आप उसका इस तरह से नाप ले लें। तो देखिए मुझे इस साइज का बनाना है तो मैंने इस तरह से इसका नाप ले लिया है, और ये देखिए बिल्कुल फिट है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका हमने नाप ले लिया है। नाप लेने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, सीधी तरफ आपने इस तरह से फोल्ड करना है, और जो आपका उल्टा वाला हिस्सा है अब आपने इसको इस तरह से क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। आपने हर चैन को इस तरह से इसे बंद करना है। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए हम हर चैन से चैन मिला करके इसको इस तरह से बंद कर लेंगे इस तरह। इसे कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। हमने इसे क्रोशिया से ही जोड़ लिया है। तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन काम आया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसे आपने पलट लेना है इस तरह से। देखिए कोई जोड़ इतना पता भी नहीं चल रहा है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने देखिए यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है। तो देखिए इस तरह से हम हर चैन में बुनते जाएंगे इस तरह। देखिए फिर हम एक बार यहाँ बुनेंगे, फिर देखिए यहाँ बुनेंगे, फिर देखिए यहाँ बुनेंगे, फिर इसमें बुनेंगे, फिर देखिए यहाँ बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से
मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। मैंने इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशे से देखिए मैंने पूरी गोलाई में देखिए बुन लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है देखिए, अब आपने इसको इस तरह रखेंगे तो देखिए यहाँ से आपने इस तरह थोड़ा सा आप लंबा धागा कर लीजिए इतना। फिर आपने क्या करना है, एक बल लेना है और देखिए इसके अंदर दो तीन चार और ये पांच, देखिए पांच का पफ स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बुन देंगे इस तरह। फिर आपने एक बल लेना है, फिर दोबारा से इसी के अंदर हमने एक दो तीन चार और पांच, देखिए पांच का पफ स्टिच बनाएंगे और फिर हम एक चैन बुन देंगे। इस तरह से हमारा एक तैयार हो गया है। फिर हमने क्या करना है, एक बल लेना है तो देखिए ये एक दो दो स्किप करके थर्ड वाली चैन में आपने फिर से इसी तरह पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन चार पांच, पांच का आ गया। फिर आपने इस तरह से देखिए इस तरह फिर एक बल लेना है, फिर इसके अंदर दोबारा से पफ स्टिच बनाना है, एक दो तीन चार और पांच, फिर इन पांचों को एक साथ बुनना है इस तरह से। देखिए दो बन गए हमारे, फिर इसके बाद एक और दो चैन स्किप करिए, थर्ड में आपने ये काम करना है, एक दो तीन चार पांच, फिर इन पांचों को एक साथ बुन दीजिए। फिर आपने दोबारा से इसमें एक दो तीन चार पांच इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को जैसे हमने बनाया है पफ स्टिच का डिज़ाइन, अब हम ये पूरा गोल कर कर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने देखिए पूरा सर्कल तैयार कर लिया है, देखिए अब बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ मेरे कितने पफ स्टिच आए हैं इसमें। देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मेरे 12 आए हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आपके ज़रूरी नहीं कि 12 आए, जब आप थोड़ा बड़ा बॉर्डर बनाएंगे तो ये आपके बढ़ जाएंगे और अगर छोटा बॉर्डर बनाएंगी तो ये आपके कम हो जाएंगे। आप फ्रेंड्स अपने नाप से बनाएंगी तो आपके नाप बिल्कुल फिट बैठेगा, इसलिए देखिए मेरे 12 आए हैं। और अब देखिए हमने जो इसकी फर्स्ट ये वाली रो कम्प्लीट कर ली और अब हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब फिर आपने देखिए यहाँ इस तरह से यहां से आपने इस तरह से करना है। देखिए थोड़ा बड़ा ले लीजिए, फिर यहां से एक दो तीन चार पांच, पांच बना लेंगे, फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर सब हम इसमें दोबारा से एक दो तीन चार फिर इस तरह बुनेंगे। फिर देखिए इसके अंदर एक दो इस तरह से पांच हो गए। फिर आपने एक बल लेना है, फिर इसी में आपने फाइव टाइम का पफ स्टिच डालना है, दो तीन चार और ये पांच, और फिर इन पांचों को एक साथ बुनना है। फिर यहाँ बुनना है, एक दो तीन चार पांच, फिर इन पांचों को एक साथ बुनना है,
फिर दोबारा से इसमें बुनना है, एक दो तीन चार और ये पांच, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं आपको इसे थोड़ा बड़ा कर बताती हूँ कि फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने देखिए बना लिया है। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें एक दो तीन चार पाँच छ, देखिए मैंने छ बार पफ स्टिच डाला है और बनने के बाद देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है ये देखिए। अब फ्रेंड्स देखिए हमने क्या करना है, अब हमने देखिए सातवीं रो है हमारी डिज़ाइन की, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हमारी सातवीं रो है फ्रेंड्स। अब हमने थोड़ा सा स्पेस देना है जहाँ से हम अपना थम की जगह बनानी है हमने। तो देखिए कैसे करेंगे, सातवीं रो में करेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपका हाथ थोड़ा लंबा है तो आप एक फूल और बढ़ा सकती हैं पफ स्टिच का। देखिए आपने क्या करना है, ये हमारी सेवन रो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो देखिए आपने क्या करना है, एक दो, दो को स्किप करके थर्ड में यहाँ से आपने अब सीधा यहाँ इस तरह से फिर आपने फंदा लेना है और देखिए यहाँ एक दो तीन चार और ये पांच, फिर पांच का पफ स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार पांच और ये देखिए पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स बीच में हमारा ये गैप आ गया, देखिए यहाँ से इस तरह से हमारे थंब आएगा यहाँ पर, तो देखिए गैप भी बिल्कुल सही है इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, अब आपने हर पफ स्टिच पे इसी तरह बनाना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक फिर बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने देखिए थंब की जगह यहाँ बना ली थी, यहाँ से हमारा थंब आएगा। और इसके बाद देखिए हमने ये चारों तरफ देखिए इसके पूरा गोल हमने बुन लिया है, देखिए फिर ये इस तरह से आया है। और देखिए हमने इसके बाद देखिए एक दो तीन चार, देखिए अब हम चौथे लाइन पर हैं ऊपर। आप चाहें तो एक आध ज़्यादा भी बना सकती हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से हम अपनी फोर लाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, दो तीन चार और पांच इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स हम इसके अंदर एक बार और बुनेंगे, दो तीन चार पांच। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी और कितना सिंपल और कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन है। बस आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है तो आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरह तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा यहाँ गया। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने इसकी फिनिशिंग करनी है, यानी कि अब हमें इसमें एक थोड़ा सा काम और करना है। तो आपने क्या करना है, देखिए एक बल लीजिए और देखिए इस तरह से, देखिए आपके तीन फंदे हो जाते हैं, बस आपने एक बार बुनना है। फिर बल लीजिए, फिर देखिए तीन फंदे हो जाते हैं, एक बार बुनना है। फिर बल लीजिए, फिर देखिए तीन फंदे बन जाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आपने हर चैन में आपने इस तरह से बुनना है। तो फ्रेंड्स बताइए कितना इजी डिज़ाइन है ना, और बनाने में भी बहुत आसान है, देखने में कितना प्यारा है। और मैंने फ्रेंड्स आपको जहाँ जहाँ बताना है सिर्फ वहीं बताया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और आजकल तो सब लोग छोटी सी वीडियो देखना ही पसंद करते हैं। तो मैंने आपको इसमें सिर्फ काम की बातें ही बताई हैं, बस आप इन्हें फॉलो करिए और अपने लिए इस सर्दियों में इतना प्यारा सा डिज़ाइन तैयार कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसे फिनिश कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बनने के बाद देखिए इसे कितना प्यारा सा लुक आया है, देखिए और ये देखिए, और ये कितना अच्छा भी लग रहा है ना, और बनाना कितना इजी है फ्रेंड्स इसे। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।